नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। अंतिम संस्कार के बाद चोरी हुआ नरमुंड, पूरे गांव में मचा हड़कंप और रोया धाड़। आरोपी जलती चिता से निकालकर खा गया इंसानी खोपड़ी। जी हां साथियों, बता दें इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश के सीधी जिले से हैरान कर देने वाला मामला है जो सामने आया है। यहां एक युवक इंसानी खोपड़ी को खाने के लिए जलती चिता से जले हुए मुर्दे की नरमुंड ही चुरा ले गया। परिजनों को इस बात की जानकारी तब हुई जब तीसरे दिन विसर्जन के लिए अस्थियां लेने पहुंचे लोगों को शमशान घाट से नरमुंड गायब मिली। पता करने पर युवक का नाम सामने आया, और जब परिजन उसके घर पहुंचे तो वहां का नज़ारा देखकर सभी जो गांव वाले हैं वो हैरान रह गए। आखिरकार हुआ तो हुआ क्या दोस्तों, उस लड़के पर किसी को भी ऐसा विश्वास नहीं था कि आखिरकार ये लड़का ऐसा काम करता है। यह तो जो नरमुंड है उनको खाता है, जलती हुई चिता से लोगों के जो खोपड़ी है उसको खा जाता है। लोगों ने युवक के घर के अंदर कपड़े में बंधी खोपड़ी और टुकड़े बिखरे पड़े देखे। इसके अलावा युवक की मोटरसाइकिल की जो डिग्गी है उसमें भी दोस्तों खोपड़ी के टुकड़े मिले। लोगों के पूछने पर युवक ने कहा कि वे खोपड़ी के कुछ टुकड़ों को तो चबाकर खा गया है। दरअसल ये जो पूरा मामला है मध्य प्रदेश के सीधी जिले के कुसमी थाना एरिया का है, और यहाँ पर ग्राम दरीमा डोल में रहने वाले जितेंद्र जायसवाल नाम के युवक को चिता से इंसानी खोपड़ी चोरी करने के आरोप में ग्रामीणों ने पकड़ा है। आरोपी के घर और मोटरसाइकिल की डिग्गी में इंसानी नरमुंड यानी कि इंसानी खोपड़ी और अस्थियों के टुकड़े बरामद हुए हैं। परिजन और गांव वाले पहले तो दोस्तों यह सब देखकर हैरान रह गए आखिरकार ये हुआ क्या, लेकिन जब लोगों को स्थानीय लोगों के माध्यम से पता लगा तो सामने आया कि जितेंद्र जायसवाल को वहां पर घूमते हुए देखा गया था। संदेह होने पर परिवार वाले जितेंद्र की तलाश में जुट जाते हैं, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता है। ऐसे में जितेंद्र के दरीमा डोल स्थित घर पहुँचते हैं जब गाँव वाले, तो वहाँ का नज़ारा देख कर सभी हैरत में पड़ जाते हैं। और दोस्तों जब उससे सख्ताई से पूछताछ की है तो वो बताता है कि मैं आधी खोपड़ी को तो खा चुका हूँ। दोस्तों कैसे कैसे लोग धरती पर रहते हैं, मुझे तो न्यूज़ बनाते हुए भी शर्म आ रही है। आए दिन दोस्तों इस प्रकार की अपडेट्स आ रही हैं, बिल्कुल अजीबोगरीब जो अपडेट्स हैं वो आ रही हैं। दोस्तों इस लड़के के साथ इसको कैसी सज़ा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताना। पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, साथ ही किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं ये भी बताएँ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।